Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. It's me, Imran Chaudhary, with a brand new lecture of short story number one, Button Button. So, we are just going to start our page number five. The point is, Norma broken. The point is, ye baat kahi Arthur ne. Baat ye hai. Aur uski baat sune bagair, complete hue bagair, Norma broken. Norma ne uski baat kaat di. Broken ka matlab, hum pehle bhi padh chuke hain. It means interfered, cut in, clear, baat ko kaatna. Norma ne uski baat kaat dali. Aur kehne lagi, if it's someone you have never seen in your life and never will see, chahe koi aisa shakhs jisko tumne apni zindagi mein kabhi nahi dekha aur na hi usse dekhoge, ya aap isko aise bhi likh sakte hain, chahe koi aisa shakhs jisse tum apni zindagi mein kabhi nahi mile aur na hi miloge, someone whose death you don't even have to know about, koi aisa jiski maut ka tumhe ilm tak bhi nahi hoga, you still would not push the button, to tum phir bhi button nahi dabaoge. ये बात नॉर्मा ने की आर्थर से, उसकी बात काटकर ये बात उसने खुद अपनी बात उसके सामने रख दी. आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपॉल्ड. आर्थर उसकी जानिब खौफ या दहशतजदा होकर घूरने लगा. यू मीन यू वुड, तुम्हारा मतलब है तुम ऐसा करोगी. $50,000 आर्थर. आगे से नॉर्मा का जवाब आया, $50,000 आर्थर. आर्थर $50,000. अब देखिए उसका जवाब आया नॉर्मा का, डेफिनेट सी बात है पंक्चुएशन को भी हमने साथ साथ लेकर चलना है, उसको रीकैप करते रहना है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट को भी हम इन्वर्जन्स में एनक्लोज कर देंगे. आगे से आर्थर ने अपनी इनकम्प्लीट बात पेश की, कहता है व्हाट हैज द अमाउंट, इस रकम में क्या है या इस रकम में क्या रखा है. $50,000 आर्थर. नॉर्मा इंटरप्टेड. नॉर्मा ने दोबारा उसकी बात काटी. नॉर्मा ने उसकी बात काटते हुए कहा आर्थर $50,000. इंटरप्टेड भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ब्रेक इन, इंटरफियर, क्लियर. फिर नॉर्मा ने अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाया, अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, हमें यूरोप जाने का मौका मिलेगा या हमें यूरोप के उस दौरे पर जाने का मौका मिलेगा जिसके मुतालिक हमने हमेशा से बात की है. आगे से आर्थर हैरान परेशान है, कहता है नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं. अब नॉर्मा और नो के एक छोटे से पॉज को कवर अप करने के लिए यहां पे कॉमा लगाया गया और इस पूरी बात को इन्वर्जन्स में एनक्लोज कर दिया गया. अ चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड. नॉर्मा ने अगली बात की, हमें जजीरे पर एक घर लेने का मौका मिलेगा. दोबारा आर्थर बोला नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं. हिज फेस वॉज वाइट. उसके चेहरे का रंग फक हो गया. यहां वाइट का मतलब सफेद नहीं है, नीचे आपको नजर आ रहा है सिनोनिम्स में वाइट मीन्स पेल या कलरलेस. शी शडर्ड. उसने अपने हस्बैंड को देखा इस आलम में, इस हालत में. शी शडर्ड, वो कांप सी गई, कपकपा गई. शडर्ड का मतलब क्या है, शिवर्ड, ट्रेम्बल्ड या क्विवर्ड. क्लियर, शिवर्ड, ट्रेम्बल्ड या क्विवर्ड. ऑल राइट, टेक इट इजी, शी सेड, ठीक है तुम आराम से रहो, वो बोली. व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट. ये बोलने के बाद उसने एक और बात कर दी जो कि सवालिया अंदाज में थी, व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो. और ये क्वेश्चन किया, लिहाजा इसे क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया इसके सामने. इट्स ओनली टॉक, ये महज एक बात है. मतलब उसका मतलब है हम अमली तौर पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं करने वाले, हम तो सिर्फ बातचीत कर रहे हैं. इट्स ओनली टॉक. और हमने इस स्टेटमेंट को भी इन्वर्जन्स में बंद कर दिया. क्लियर. आफ्टर डिनर आर्थर वेंट इन टू द लिविंग रूम. खाना खाने के बाद आर्थर दीवान खाने में चला गया. बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ यू डोंट माइंड. बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, मेज पर उठने से पहले, ही सेड, वो बोला,
I would rather not discuss it anymore. मैं अब इस पर मजीद बहस नहीं करूंगा. If you don't mind, अगर तुम बुरा ना मानो. अब देखिए he said के बाद ये जुमला आया, लिहाजा inversions में enclosed हो गया. एक तो ये punctuation का concept बार बार आपके सामने आ रहा है. दूसरा एक और concept यहां पे आया, would rather. Would rather हमने अपने लास्ट लेक्चर में बेयर इन्फिनिटिव्स की फॉर्म में पढ़ लिया था कि बेयर इन्फिनिटिव्स वो चीजें होती हैं जिनके बाद आपने कोई प्रपोजिशन टू नहीं लगाना उसके फौरन बाद और सिंपल आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. क्लियर? तो ये वुड रादर वही बेयर इन्फिनिटिव दोबारा हमारे सामने आ गया है. आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर. मैं अब इस पर मजीद बहस करना नहीं चाहूंगा. इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा ना मानो. नॉर्मा श्रग्ड. Fine with me. Shrugged. देखिए इसमें हमने इस चैप्टर में कुछ बॉडी मूवमेंट्स पढ़ी. हमने नॉड पढ़ा, मूव द हेड इन अफर्मेशन. हमने शुक पढ़ा, मूव द हेड इन निगेशन. दो बॉडी मूवमेंट्स. आज हम तीसरी पढ़ रहे हैं, श्रग्ड. देखिए आपको अगर किसी बात का इल्म ना हो या आपसे कोई बात पूछी जाए और आपको उसका जवाब देने में कोई इंटरेस्ट ना हो तो आप ऐसे कर देते हैं, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड श्रगिंग. इसका मीनिंग क्या होगा? टू मूव द शोल्डर्स टू शो अनकंसर्न एंड इनडिफरेंस. लातालुकी जाहिर करने के लिए अपने कंधों को हरकत देना. क्लियर? तो नॉर्मा ने क्या कहा? कंधे उचकाते हुए कहा, फाइन विद मी. ठीक है. शी गॉट अप अर्लियर देन यूजुअल टू मेक पैनकेक्स एग्स एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट. अब अगली सुबह की बात हो रही है, वो मामूल से पहले उठ गई. रूटीन, यूजुअल को समझते हैं ना आप, रूटीन कह लीजिए आप. तो वो मामूल से पहले उठ गई बनाने के लिए पैनकेक्स. केक की एक खास किस्म है पैनकेक, अंडे और चाय. फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट, आर्थर के नाश्ते के लिए. व्हाट्स द ओकेजन? ही आस्क्ड विद अ स्माइल. जब आर्थर ने इतनी सारी चीजें टेबल पर पड़ी हुई देखी तो उसे खुशी हुई. व्हाट्स द ओकेजन? क्या खास मौका है? ओकेजन का मतलब कोई खास सिचुएशन, कोई खास इवेंट. ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए पूछा. नो ओकेजन, नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड. कोई खास मौका नहीं, नॉर्मा थोड़ी सी गुस्से में दिखाई दी. ऑफेंडेड, एंग्री, एनॉयड. क्लियर? आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स ऑल. बस मैंने ऐसा करना चाहा. क्लियर? गुड, ही सेड. आई एम ग्लैड यू डिड. गुड, ही सेड. अब गुड ही सेड से पहले एक लफ्ज उसने बोला, गुड इन्वर्जन्स में एनक्लोज्ड. क्लियर? अच्छा वो बोला, आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी हुई तुमने ये सब किया. शी रिफिल्ड हिज कप. नॉर्मा ने आर्थर का कप रिफिल किया, चाय से दोबारा भरा. वॉन्टेड टू शो यू आई एम नॉट, पर बात अधूरी छोड़ दी. मैं तुम्हें यह दिखाना चाहती हूं कि मैं नहीं हूं. अब यह बात इन्वर्जन्स में आ गई और उसके बाद शी श्रग्ड, उसने दोबारा से अपने कंधे उचका दिए. नॉट वट? आगे से सवाल आया, नॉट वट, क्या नहीं हो, लिहाजा क्वेश्चन मार्क आया. क्लियर? और सवाल आया, आर्थर ने पूछा, लिहाजा इसको इन्वर्जन में बंद कर दिया. कहती है सेल्फिश, खुदगर्ज. डिड आई से यू वर? मैंने कब कहा कि तुम हो, या मैंने कहा कि तुम हो? लिहाजा यह भी सवाल था, इन्वर्जन और क्वेश्चन मार्क साथ साथ. वेल, हां. शी गेस्टर्ड वेगली, उसने एक अंदाजा लगाया. गेस्टर्ड का मतलब आप कह सकते हैं इसको स्पेक्यूलेटेड. क्लियर? गेस्ट, एज्यूम्ड. ठीक है? वेगली, उसने एक मबहम सा, गैर वाजह सा अंदाजा लगाया. अब वेगली, ऑब्स्क्योरली, अनक्लियरली, रफली, अनसर्टनली. क्लियर? तो उसने एक गैर मबहम सा, एक गैर वाजह सा अंदाजा लगाते हुए कहा, लास्ट नाइट, पिछली रात या कल रात. क्लियर? और इस बात को भी हमने इन्वर्जन्स में एनक्लोज कर दिया. आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर ने कोई बात ना की. ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, नॉर्मा सेड. नॉर्मा बोली, वो जो सारी गुफ्तगू हो रही थी बटन के मुतालिक. नॉर्मा बोली, आई थिंक यू वेल मिसअंडरस्टूड मी, मेरा ख्याल है तुमने मुझे बहुत गलत समझा.
ठीक है, नॉर्मा सेट से पहले वाली बात भी इन्वर्जन्स में एनक्लोज और नॉर्मा सेट के बाद वाली बात भी इन्वर्जन्स में एनक्लोज। अब आगे से अर्थर की तरफ से बात आती है, इन व्हाट वे, वो किस तरह, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्लियर, और इन्वर्जन एनक्लोज हो गए। हिज वॉइस वॉज गार्डेड, उसकी आवाज बहुत मोहतात थी, क्लियर, गार्डेड, इसे कह सकते हैं केयरफुल, कॉन्शियस, कॉशियस, क्लियर। आई थिंक यू फेल्ट, शी गेस्टर्ड अगेन, उसने दोबारा अंदाजा लगाया, कहने लगी मेरा ख्याल है तुमने महसूस किया था, क्लियर, आई थिंक यू फेल्ट, ये उसने कहा, कोमास क्लोज हो गए, बात दोबारा से उसने इनकम्प्लीट छोड़ दी, उसके बाद दोबारा से उसने बात स्टार्ट की, दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपनी जात के मुतल्लिक सोचती हूं। ओह, आगे से अर्थर ने कहा, ओह आई वॉजंट नॉर्मा, नहीं नॉर्मा, वेल आई वॉजंट वेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, हां उस वक्त जब मैंने यूरोप जाने की बात की थी, अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, या जजीरे पर घर लेने की बात की थी। नॉर्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस, आगे से अर्थर ने तंग आकर कहा, बेजार होकर कहा, नॉर्मा आखिर हम इस मामले में इतने उलझ क्यों रहे हैं, क्लियर। अब इन्वॉल्व का मतलब इंटरेस्टेड कह लीजिए, एंगेज्ड कह लीजिए, ऑक्यूपाइड कह लीजिए, सही, एंटेंगल्ड भी आप इसको कह सकते हैं, एंटेंगल्ड, क्लियर। आगे से कहती है, आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं हरगिज इस मामले में उलझ नहीं रही। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रीथ, उसने एक कपकपाती हुई सांस अंदर खींची। ब्रीथ के हवाले से भी एक मैं खास बात करना चाहूंगा आपसे, पेयर ऑफ वर्ड्स में जिस तरह हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो ब्रीथ को भी हमें डिस्कस करना है। पेयर ऑफ वर्ड में ये लफ्ज आता है, बी आर ई ए टी एच आपके सामने है, और बी आर ई ए टी एच ई इसका पार्टनर है, क्लियर, ये पेयर है पूरा, तो आपको इसमें फर्क पता होना चाहिए। बी आर ई ए टी एच, ये ब्रीथ जो है ये नाउन है, क्लियर, इसकी फॉर्म कभी मत बनाइएगा, और वो जो है उसकी फॉर्म बन सकती है, मतलब अगर आपने एस का इजाफा करना है, डी का इजाफा करना है, तो बी आर ई ए टी एच ई एस होगा, ई डी होगा, उसके साथ होगा, वो वर्ब है, इसके साथ बी आर ई ए टी एच के साथ नहीं इजाफा किया जाएगा, ये नाउन है, इट हैज नो फॉर्म, और वो वर्ब है, उसकी तीन फॉर्म्स हैं, क्लियर हो गया। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं तो महज इस बात की निशानदेही करना चाहती हूं, इंडिकेट बताना चाहती हूं, दिखाना चाहती हूं, शो, मैनिफेस्ट एम ए एन आई एफ ई एस टी, और रिवील, ठीक है बेटा, ये था हमारा पेज जो हमने आज पढ़ा, आई होप कि आपको समझ आया होगा, और आई होप कि आपके लिए अब ट्रांसलेशन काफी आसान होती जा रही होगी, क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट्स पंक्चुएशन के बहुत बेहतरीन होते जा रहे होंगे, ट्रांसलेशन में आप काफी मैच्योरिटी फील करने लग गए होंगे। आपने एक असाइनमेंट अपने जिम्मे रखनी है, चाहे मैं आपको असाइन करूं या ना करूं, ये आपको अलॉटेड है सिंस द डे फर्स्ट। आपने ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से याद करनी है, क्लियर, आपने पंक्चुएशन की एक्सरसाइजेस खुद करनी है, ठीक है, आपने सिनोनिम्स को अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठाना है, ये आपका टास्क है हर एवरी पेज के बाद, क्लियर। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।